pregnant symbol. Yeah. थ्री बेबीज या थ्री बेबीज अनदर टू बॉय लुक वन. ये इसका पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा, और ये थ्री, और ये नेक्स्ट प्रेग्नेंट है ये औरत है. या ये देखें जनाब बेली, यहाँ पे इनके अपने कानून हैं. तो भाईजान यहाँ पे आने के लिए आपके पास हिम्मत और दरिया जितना बड़ा दिल होना चाहिए, जितना ये बड़ा दरिया है इतना आपके पास दिल होना चाहिए तब आप यहाँ पे आए. तो ये है दिसाने ट्राइब. तो यहाँ पे दिखाते हैं ये जो तीन दिख रहे हैं, थ्री बेबीज, ठीक है. इसके ये जो तीन है ना पुतलियाँ की हुई, इसके तीन बच्चे हैं, ठीक है. एंड दिस इज, ये सिंगल है. तो सिंगल की ये अलामत है कि इसके एक ये है, एक ये है, और एक ये की हुई सिर्फ. ये सिंगल है, दिस इज सिंगल. एंड प्रेगनेंट वाइफ, आज यहाँ पे भाई जान काफ़ी अच्छा दिन है. और मैं हूँ आज जनाब अली. यहाँ पे एक टाउन है तुरमी, और ये जो पूरी जगह इसको बोलते हैं ओमो वैली, ठीक है. तो रात हम यहाँ पे आ गए थे, लास्ट टाइम जो था ना हम नांगा तोम ट्राइब उसको उसको एक्सप्लोर किया था, और यहाँ पे पहुँचे थे शाम को. बाकी रूम वगैरह लिया था, और रूम ले कर यहाँ पर भाई जान फुल मज़े के साथ सोए हैं, रेस्ट किया है. क्योंकि पिछले कुछ तीन दिन के साथ लगातार ट्रैवल के अंदर ना वीडियो एडिट हो रही है, और ना ही जो है ना अच्छे तरीके से खाना पीना हो रहा है, क्योंकि थकावट हो जाती है, सारा दिन ट्रैवल होता है. और आज हम जाने वाले हैं यहाँ से बहुत ही यूनिक ट्राइब के अंदर, जिसे दोसाने ट्राइब कहते हैं, ठीक है. तो उसके लिए जाने के लिए हमें जो ना यहाँ पर जो ओमो रिवर है बहुत मशहूर है, उसको क्रॉस करना पड़ता है. तो उसके लिए जो ना वो एक तो लोकल होती है कश्ती, एक दरख्त को काट के उन लोगों ने बनाई होती है, यानी कि वो दरख्त होता है उसके सेंटर से छेद किया होता है, वो उसमें बैठ के क्रॉस करते. दूसरी जो आम कश्ती जैसे हमारे यहाँ होती वो होती हैं. देखते हैं कौन सी कश्ती मिलती है. और आज हम जाएंगे दोसाने ट्राइब के अंदर. ऊपर मौसम बादल आ गए, हालांकि कल यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन अभी बादल वगैरह आ गए, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है. इन लोगों ने इतना रोला डाला हुआ है ना सुबह से, इन लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिया सुबह से. वेरा रोला डाला हो तुम बहुत तंग किया. अच्छा, अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं वो गैर मुस्लिम है, अगर आपको हलाल फूड नहीं मिलता, तो ये एक टिप की बात है कि जिधर भी मस्जिद होगी ना, मस्जिद के नज़दीक नज़दीक आपको कोई भी जो ना रेस्टोरेंट मिल जाएगा जो हलाल होगा, मुस्लिम फूड होगा, ठीक है. इस तरफ ये मस्जिद है बनाई हुई, इसके वहाँ पर स्पीकर हैं, और ये जो ना ये हलाल फूड है. तो यहाँ पर हम करते हैं ब्रेकफास्ट. ये देखें जनाब अली, जिस रोड के ऊपर अभी हम जा रहे हैं ना, इससे पहले 6 किलोमीटर वो था ऑफ रोड, रोडा डाला हुआ था, और अभी जो अस्फाल्ट रोड आ गया है. तो ये भाई जान मेड इन चाइना है. देखिए चाइना ने इतनी तरक्की की, अफ्रीका के अंदर आके भी चाइना ही रोड बना रहा है, ठीक है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐसे थे जो मेड इन चाइना थे. यहाँ पे हमें मेड इन पाकिस्तान के कोई प्रोडक्ट नहीं मिली इथोपिया के अंदर इस वक्त तक, बाकी होंगी लेकिन हमें नज़र नहीं आई, ठीक है. और यहाँ से भाई जान 70 किलोमीटर है दोसाने विलेज, दोसाने ट्राइब जो है. यहाँ से पहले हम जाएंगे, वहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से हम अपनी बोट लेके फिर वो उमर रिवर को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आगे इंटर हो जाएंगे दोसाने विलेज में. और बाहर देखें जंगल, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको भाई जान गिद्ध, कुकाब, फाल्कन, इसके अलावा और बहुत सारी नस्ल के परिंदे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं. वहाँ पर हमारे जो शिकारी भाई हैं ना, उन लोगों ने उनका ख़त्म कर दिया है. कल हम वापस आ रहे थे अपने होटल वाले साइड पे, तो रास्ते के अंदर भाई जान वो जो खरगोश होते हैं जंगली, जिसे सैयद कहा जाता है, ठीक है, वो नजर, इसके अलावा चकोर, तीतर, इसके अलावा और बहुत सारे परिंदे हमारी गाड़ी के सामने से अक्सर गुजरते थे. और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत पाबंदी है, मना है परिंदों को का शिकार करना, ठीक है. ये यहाँ पर कुछ ना कुछ चलो इस चीज़ का ख्याल किया जाता है. तो यहाँ पे भाई जान ये जानवर लेके जा रहे हैं, जितने भी हमें रास्ते के अंदर रेवड़ मिले ना, तो सभी के पास जो है ना राइफल थी AK-47. भाई जान बहुत ख़तरनाक इलाका है ये. और जानवर इनका मेन जो पेशा ना वो जानवर पालना ही है. लेकिन जैसे सूडान के अंदर है ना बड़े बड़े सिंग वाले बैल, ये वही है. सारा जंगल का एरिया है. अच्छा भाई जान एक और चीज़, ये जो रिवर हमने अभी क्रॉस करना है ना, इस रिवर के अंदर भाई जान क्रोकोडाइल भी हैं, ख़तरनाक किस्म के, ठीक है. और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है. और वो जो दूसरी साइड पे विलेज है ना जिस ट्राइब के अंदर हम जा रहे हैं, वो लोग इस चीज़ का शिकार करते हैं और उसको खाते भी हैं, ये हराम है इस्लाम में. इस तरफ से ये जो देख रहे हैं आप पानी, ये दरिया से निकाल रहे हैं,
इस सब अपने पौधों को लगाने के लिए। ये माइको ब्रादर हैं जो यहाँ पे लोकल टूर गाइड हैं और ये हमें अपने विलेज में लेके जाएंगे, ट्राइब दिखाएंगे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेलो, क्रोकोडाइल इन दिस रिवर? यस, इन दिस रिवर। स्मॉल या बिग क्रोकोडाइल? यस, द बिग। 10 meters? 10 meters। और ये जो देख रहे हैं भाईजान, यहाँ की लोकल कश्ती, देखें ये दरख्त की बनाई हुई है, इसमें तो वैसे ही डर लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर आज हम जाएंगे, क्या देखते हैं क्या डिसाइड होता है, इसके अंदर जाते हैं या उसके अंदर जाते हैं। हालांकि वो जो है ना वो सेफ़ है, ये भी सेफ होगी, लेकिन ये लोगों ने दरख्त की काट के उसको बनाई हुई है, ठीक है। अगर ये अल्लाह ना करे पानी के अंदर गिर गई ना, नीचे डूब गई, तो बचना हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये ओमो रिवर है जी, काफ़ी बड़ा दरिया है। इसके अलावा दूसरी साइड वो पुल भी है, अगर पुल के ज़रिए आप जाना चाहते हैं ना तो उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। तो लेकिन मज़ा नहीं आएगा, हमने कहा कि हम जो ना कश्ती के ऊपर इसको क्रॉस करते हैं। तो भाईजान, यहाँ पे आने के लिए आपके पास हिम्मत और दरिया जितना बड़ा दिल होना चाहिए, जितना ये बड़ा दरिया है ना इतना आपके पास दिल होना चाहिए तब आप यहाँ पे आएँ। ये देखें यार क्या सीन है, फुल एडवेंचर फुल मज़े के साथ हम इस रिवर को काट रहे हैं जी क्रॉस यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच चुके हैं जी अपना जो इसका दूसरा किनारा था वहाँ पे, लेकिन भाईजान इसने ना सारे कलमे वगैरह याद करवा दिए, आयतुल कुर्सी याद करा दी, और अभी हम निकलेंगे यहाँ से बाहर। ये लें जी, बाहर आ गए हैं अभी, बाकी दोस्त और टूर गाइड वगैरह सारे इस कश्ती से आएंगे बाहर। बोर्ड को लाफ कहने के बाद यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है दिसाने ट्राइब के अंदर जाने के लिए, ठीक है। और हम वहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दरिया की साइड पे दरख्त लगे हुए खूबसूरत खूबसूरत, ये नीम के पौधे जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं। और एक और चीज़ है भाई जान, यहाँ पर बाहर की जो है ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियाँ वगैरह, ठीक है, जो डोनेट वगैरह देती हैं, उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया, बागात लगाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर नहरी सिस्टम बन रहा है और ज़मीन को लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। चलो कम से कम ये जो मुल्क है कम से कम ऊपर तो आएगा थोड़ा बहुत। व्हाट इज़ योर नेम? कमाते। कमाते, तो ये कमाते हैं। वेयर डू यू लिव? इन द विलेज, दसानज विलेज। दसानज विलेज, तो ये देखें जी अभी कश्ती से हम उतरे थे तो यहाँ पे ये जो मकामी हैं ये आ गए हैं। व्हाट डू यू वर्क? ओके, तो यहाँ पे जो लोगों का ज़्यादातर पेशा है ना वो जानवर चराना ही है, ठीक है। एंड जस्ट एनिमल्स? एनिमल्स, या कोज, गोट्स? गोट्स आल्सो। अच्छा, आल्सो गोट, कोज, यस, एवरीथिंग। तो भैया ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे और ये हमारे टूर गाइड हैं मसरी। व्हाट्स मीनिंग ऑफ मसरी? मसरी मींस लाइक फीस, लाइक प्लांट, प्लैनेट। प्लैनेट? यस, यू आर प्लैनेट, मार्स प्लैनेट। या Yes. और ये देखें यार इसकी चार दीवारी ना स्कूल की, इन लोगों ने ये देखें जो दरख्तों के होते हैं ना कांटेदार झाड़ियाँ वो काट काट के यहाँ पे लगाई हुई हैं। सबसे पहले तो हमने कहा आपको यहाँ पे तलीम का निज़ाम दिखाते हैं, यहाँ पे तलीम का क्या सिस्टम है, ठीक है। तलीम यहाँ पे क्या है? जस्ट नाम की तालीम है। और ये देखें इसको जो है दीमक लगी हुई है, ये कमरे की चार दीवारी, और यहाँ पर ये स्कूल देख रहे हैं भाई जान, डेस्क यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये यहाँ पे क्लासरूम है, लेकिन इसके जो लकड़ियाँ हैं ना वो दीमक उनको खा चुकी है। इस तरफ बच्चे हमें देख के आ चुके हैं। यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड है, ऊपर छत वगैरह भी देख लें। और यहाँ पे असम्बली होती है ना वो आपको दिस प्लेस फॉर असम्बली, यस। और ये जो जगह है ना ये स्टेज बना हुआ है असम्बली के लिए। ये स्कूल देख लें, दिस आल बिल्डिंग फॉर स्कूल, ये आल बिल्डिंग स्कूल के। उस तरह वाशरूम बने हुए हैं और ये जो जगह ना ये असम्बली के लिए है, यहाँ पे फ्लैग वगैरह लगाए जाते हैं। फॉर क्लास, यस फॉर, ये देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये लगाए गए, यानी कि कौन सी क्लास ने किसके सामने खड़े होना है। ये जो विलेज है ना ये इसकी एक साइड पे लगता है साउथ सूडान और एक साइड पे लगता है कीनिया का बॉर्डर, ठीक है। और मोवाले बॉर्डर वो इस साइड पे, जिस तरफ से हमने कीनिया के अंदर दाखिल होना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी घर हैं ना वो सभी एक ही तरीके के बने हुए हैं, ठीक है। इनकी जो शक्ल है वो सभी की एक ही है, गोल गोल हैं, ठीक है, शीट्स के बनाए गए हैं।
ये है यहाँ पे दुसानिच विलेज। बाकी ये घर देखें जी कैसे बने हुए हैं शीट्स के। एंड दिस वन लाइक दिस स्टिक लाइक इज द नेट आल्सो द नेट आल्सो नेट स्लीपिंग। अच्छा स्लीपिंग इन नाइट। इन नाइट ओके इज द मॉस्किटो लॉट ऑफ देयर। ओके नेट इज द नेट लाइक दैट ऑल द मॉस्किटो यू कैन नेट। ओके स्लीपिंग तो ये जो आप देख रहे हैं छड़ियाँ लगी हुई इसके सेंटर में वो खाल वगैरह बिछा के यहाँ पे जो लोग रात के टाइम सोते हैं। दिन के टाइम तो यहाँ पे क्या होता है गर्मी होती है और यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो दिन के टाइम अपने खेत में काम करने गए होते हैं और दूसरा वो यहाँ पे जो जंगल है साइड पर वहाँ से जाके वो शहद वगैरह ले के आते हैं और जानवर वगैरह चराते हैं। बाकी औरतें जो वो घर के अंदर रहती हैं। ठीक है हेलो ये देखें यहाँ पे औरतें आ गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये मैरिड है इसके ये देखें पीछे जो है ना ये एक लगाई हुई है गुत जो होती है। ठीक है हम तो इसे गुत कहते हैं। एंड ऑल्सो नो मैरिड। अच्छा इसके जो है ना ये आगे चाह रहे हैं ये भी शादीशुदा नहीं है इसके भी माथे के ऊपर है तो ये मैरिड नहीं है। और थ्री बेबी तो ये देखें इसके सार के ऊपर ये जो ना तीन है ये जो इन्होंने अपने वालों की बनाई हुई ना तो इसका मकसद है इसकी तीन बच्चे हैं यार ये देख लें भाई जान अफ्रीका। एंड मैरिड थ्री बेबी ये देखें इसके भी तीन बच्चे हैं ये जो ना ये बालों की इन्होंने तीन वो की हुई हैं और इन लोगों ने भी नेकलेस पहना हुआ है। ठीक है यहाँ पे ये चेक कीजिए ज़रा। अच्छा फ्राम कीनिया तो कह रहे हैं ये जो नेकलेस ना ये कीनिया से आए हैं और इस तरफ ये बच्चे आ गए हैं। इनके जो मर्द हजरात हैं ना वो यहाँ पे जो मवेशी वगैरह रखते हैं रात को जब वो लेक है तो वो इसी जगह के ऊपर रखते हैं क्योंकि जंगल के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह होते हैं तो वो नुकसान करते हैं। ठीक है रात को यहाँ पे ये लोग ले आते हैं और फिर दिन के टाइम उनको ले जाते हैं यहाँ पे ये लोग खुद सोते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लेडीज़ ने ना ये कपड़े पहने हुए सिर्फ नीचे उन लोगों ने पहना और छात्री जो मुकम्मल नंगी है तो हमने इनको पहले किया था कॉल करके बताया था कि हमने आपकी वीडियो वगैरह बनानी है तो पहले आप कपड़े पहनेंगे तब हम इस विलेज के अंदर जाएंगे। ठीक है तो इनको कपड़े पहना के तब हमने अपनी वीडियो स्टार्ट किया है। इसके देखें जो बाल है ना इस औरत के ये यहाँ पे एक मिट्टी होती है। ठीक है सुरख कलर की। ठीक है यहाँ पे दरिया के किनारे पे उसके अंदर ये लोग मक्खन या फिर चर्बी पगला के जानवरों की वो लगा के सर के ऊपर लगाते हैं। ये देखिए इस औरत ने कपड़े नहीं पहने हुए। ठीक है विदाउट कपड़े है तो ये बच्चे की आप पोजीशन देख लें ज़रा। ये भाई है अफ्रीका है चेक करें ज़रा। सरगम फूड खा रहा है। दिस इज प्रेगनेंट। प्रेग्नेंट सैंपल थ्री बेबीज अनदर टू बॉय लुक वन। ये इसका पहला बच्चा है ये दूसरा बच्चा और ये थ्री और ये नेक्स्ट प्रेग्नेंट है ये औरत है। ये देखें जनाब बेली यहाँ पे इनके अपने कानून है। बूढ़ी खातून जो है इस विलेज की वो आ गई है। हेलो How are you? Hello and hello. This culture. Hello. Kuni Komizap. Kuni Komizap. Yes, hello. Hello Kuni Mazap. Mizap. Yeah, Mizap. Kun Komizap. I say in fine. Ya Mizap. Fine. Ya Mizap. Ya Mizap. Ya Mizap. Ya Mizap. Kun Komizap. Ya Mizap. 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 What is the meaning of Yamizab? Yamizab is a hello. अच्छा hello. Hello. तो भाई जान ये यहाँ पे this is Ethiopian language ये just दसाने language. तो ये भाई जान सिर्फ यहाँ पे जो दसाने language है ना ये इसकी ज़ुबान है. तू is a single. Single? Single या no baby. He single. अच्छा not married. He not married. तो भाई जान यहाँ पे इस गांव के अंदर जो लड़कियाँ हैं ना जिसकी शादी नहीं हुई हुई. What is the symbol of?
like this this one is back there. Okay. ये देखें जो लड़की यहाँ पे कुंवारी है ना उसके सारे के पीछे कोई वो चीज़ नहीं है, ये जो चीज़ है ना ये जो डाली हुई, ठीक है, इसकी साइड पे एक है और एक साइड पे ये है और ये फ्रंट पे है, ठीक है। तो ये लड़की जो कुंवारी है ये इस विलेज के अंदर भाई जी इनका अपने कवानीन है, ठीक है। और इनके जो बाल है ना वो इतने हार्ड है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, ठीक है, हमारे तो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। और ये देखें सिर्फ हेलो इतनी मीन हेलो हेलो इतनी ये देखें जनाब अली बच्चे, कोई यहाँ पे सफाई सुथराई नहीं है भाई जान बच्चों की। तो एक्सप्लोर करते हैं अच्छा यहाँ पे जितने भी घर वगैरह है ना वो आपको देखेंगे इसी तरीके से शीट से मिलेंगे, ठीक है, शीट के लोगों ने बनाए हुए हैं। अच्छा तो भाई जान ये बता रहे हैं कि जितने भी घर है ना इसके अंदर पूरी फैमिली रहती है, ठीक है। तो हर घर के सामने ये देखिए छड़ियाँ लगाई गई हैं, छड़ियाँ लगाने का मकसद यही होता है कि ये लोग क्या करते हैं रात के टाइम यहाँ पे सोते हैं, ठीक है। उन लोगों ने अपने घर के सामने वो एक यूँ समझ लीजिए सहन है इस घर का, यहाँ पर ये जो ना नेट लगा के यहाँ पर ये सो जाते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे जो घर है मुझे वो इस तरीके से जो दरख्तों के पत्ते वगैरह होते हैं ना छड़ियाँ वगैरह उनसे भी बनाए हुए हैं। सम हाउसेस फार एंड डिफरेंट दिस इज पोर पीपल दिस इज न्यू अच्छा दिस इज न्यू दिस इज नो न्यू ओल्ड ओल्ड तो कह रहे हैं वो जो घर है ना वो दोबारा रिन्यू किए हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे वो जो लगा देने लोहे की प्लेटें लगा दी, ठीक है, वो नए घर हैं और पुराने इस विलेज के अंदर थे वो इस तरीके से हैं, ठीक है। जैसे ये घर है यहाँ पे ये पुराने हैं और वो देख लें विलेज वो पुराना है, ठीक है। तो ये है जी दसानज विलेज और इस गाँव की जो टोटल पॉपुलेशन है वो भाई जान इस गाँव की नहीं बल्कि जो दसानज कम्यूनिटी है ना टोटल 98,000 है यहाँ पर। और हो मैनी पीपल इन दिस विलेज 316 भाई जान यहाँ पे जो घर हैं इस विलेज के अंदर हैं। और इस तरफ देखें यार ये इनकी पोजीशन चेक करें, देखें यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं गुरबत की वजह से, हाल देखें ये घर का व्यू है। और मेरे ख्याल में डिसेबल पर्सन डिसेबल ये जो बंदा है ना ये डिसेबल है, ऊपर वो देखें व्हील चेयर भी रखी हुई है। इतनी अच्छा तो अभी हम एक घर के अंदर दाखिल होने लगे हैं। ये घर है इसके अंदर पूरी फैमिली रहती है, इस घर के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये घर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं ताकि जो ना लाइट का मसला हमारा हल हो जाए। अभी जाते हैं इस घर के अंदर, ये देख लें शीटें वगैरह लगाई हुई हैं। तो ये देखें इस घर के अंदर दाखिल होने के लिए ना आपको झुकना पड़ता है, वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि झुका क्यों जाता है। पहले इसके अंदर हम दाखिल होते हैं। हेलो इतनी ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इस घर का, ये इसलिए इसको छोटा बनाया जाता है कि बंदा झुक के आए, ठीक है। और यहाँ पे जो ना जो फादर होता है उसी की बात यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फादर की अपनी जगह होती है और ये जो हाउस है ना ये इसकी मामा का है, ठीक है। और घर के अंदर फादर और मामा दोनों इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे ना, ये जो जगह ये फादर के लिए होती है और ये जो जगह ये मादर के लिए होती है, यहाँ पे माँ बैठती है, ठीक है। और ये दरवाजे के सामने इसलिए बैठते हैं पूरे ख़ानदान की वो हिफाजत करते हैं, ठीक है। और जो भी आता है ना वो झुक के आता है, ये यूँ समझ लें कि रिस्पेक्ट के लिए होता है, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे इनके जो साइज़ है वो छोटा बनाया जाता है इस दरवाजे का। और बाकी नीचे बैठने के लिए लोगों ने ये गाय के चमड़ा काऊ और इसी के अंदर इन लोगों ने किचन बनाया हुआ है, मिल्क कंटेनर। ये देखें भाई जान ये जो है ना ये मिल्क कंटेनर है, ये देखें दूध को महफूज करने के लिए यहाँ पे मिल्क कंटेनर है ये वाला, ये सिस्टम है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लोगों ने बैठने के लिए अपने ये सारे नीचे चमड़ा फैलाया हुआ है और ऊपर इसके देखें यहाँ पे छड़ियाँ वगैरह लगाई गई हैं और मुकम्मल धुएं के साथ ये जो ना ब्लैक है। और इस औरत के यहाँ बच्चे की जो ना पैदाइश हुई है और यहाँ इसको रखा गया इस कपड़े के अंदर, ये बच्चों को बाहर नहीं लेके आ सकती, ये इनका अपने कोई कमानी ना यहाँ पे। यहाँ पे चूजे मुर्गियाँ वगैरह रखे हुए लोगों ने और बाकी ये सारा विलेज है इस साइड पे। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे जो ना मुझे डॉगी वगैरह नज़र नहीं आए, ठीक है। जितने भी ट्राइब्स के अंदर हम गए हैं ना
वो कहते इसलिए कि इनके पास अपने खाने के लिए रोटी नहीं होती, तो फिर ये डॉग्स को कहाँ से रोटी खिलाएंगे। ठीक है, जैसे सोरगम मैगजीन, सोरगम स्टोरेज, स्टोरेज ये जो चीज़ देख रहे हैं जो सोरगम के लिए इन लोगों ने स्टोर करने के लिए बनाया हुआ, ये ऊपर इसलिए रखते हैं कि नीचे से पानी वगैरह से ख़राब ना हो, ठीक है, बाकी कीड़े मकोड़े इसको ज़ाया ना करें। What is the age of marriage in this village, man and woman? Is a man. Man after 12 is married. Okay. Is a 12, so old 12 and married. And another one, 20 is a married. Male. Milk. No, no, male, male, man. Is a man. Man age for marriage. Age and 20. 20. 20. And woman. Woman 12. 12. तो यहाँ पे लड़की की उम्र वो 12 साल जब हो जाती है उसके बाद शादी कर देते हैं, लड़के की जो उम्र है ना वो 20 साल तक जाके वो उसकी शादी करते हैं। एंड हियर इज सेरेमनी ऑफ बुल जंपिंग या विदाउट बुल जंपिंग? नो बुल जंपिंग ऐसा नहीं देखो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सेरेमनी होती है शादी के लिए, जैसे बन्ना ट्राइब था, ठीक है, इसके अलावा कारो ट्राइब है, ठीक है, हमर ट्राइब है, तो वो लोग क्या करते हैं कि शादी से पहले वो लोग जो ना अपना बुल के ऊपर से उन्होंने कूदना होता है, ठीक है, जो बंदा कूद जाता है ना उसकी शादी हो जाती है। वो कहते हैं कि हाँ भाई तू जवान हो गया, तू बालक हो गया, अब तेरी शादी करनी है। लेकिन ये वाले जो विलेज है ना ये बुल जंपिंग के बगैर ही शादी करते हैं। तो यहाँ पे भाईजान जो बंदा जितना अमीर होगा ना वो उतनी शादियाँ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने शादी करनी तो 20 गाय आपके पास होंगी, 20 गोस, तो 20 गाय होंगी तो फिर आप यहाँ पे शादी कर सकते हैं। एक शादी कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये दरवाजे इसलिए नीचे लगाए जाते हैं कि लोग जो ना रिस्पेक्ट करें, और जब कोई भी बंदा कार के अंदर दाखिल होता है तो दरवाजे के सामने बिल्कुल उनका फादर होता है, उनका बाप होता है, पहले उसे वो अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है, तब वो अंदर जाता है, ठीक है। और इस तरफ ये जो ना सारे कबीले वाले इकट्ठे हो गए हैं, ये चेक करें जी, इस तरफ जितनी भी औरतें इस कबीले की वो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। इन लोगों ने किसी ने कपड़े पहने हुए और किसी ने कपड़े नहीं पहने हुए, सिर्फ नीचे पहने हुए हैं, ऊपर वैसे सीन है इनका। तो ये इस भाई का घर है, इस घर के अंदर हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से ही कैसा है। और ये जो इसका दरवाज़ा ना ये इसलिए छोटा रखा जाता है कि बंदा झुक के अंदर जाए, ये अगले बंदे की रिस्पेक्ट के लिए होता है। और जब आप इस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इनका फादर होता है दरवाजे के पास बैठा हुआ, वो इजाज़त लेता है इनसे। यहाँ पे फादर की जगह होती है और इस तरफ मादर की जगह होती है, वो इजाज़त लेगा, दाखिल होगा, देन आप जा सकते हैं। अभी हम इसके अंदर दाखिल होते हैं और दरवाज़ा इतना तंग है ना कि मुझसे अंदर दाखिल होना भी मुश्किल है। और ये इसकी वाइफ है जी, दिस वाइफ, एंड हु वाइफ माय फ्रेंड। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना मेरी वाइफ की दोस्त है। एंड व्हाट इज एंड दिस इफ फ्रेंड फ्रेंड, अच्छा जस्ट फ्रेंड योर वाइफ। तो ये है जी, यहाँ पे ये देखें कारपेट, इसकी चटाई वगैरह भी बिछाई हुई है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे चमड़ा वगैरह मुझे नजर नहीं आया, हाँ लेकिन है ये सिर्फ नीचे, इसको ऊपर लोगों ने चटाई वगैरह बिछाई हुई है। वन बेबी, एक बच्चा, ये देखें माँ गुस्से में आ गई है, बच्चे को ना डरा रही है, वो रो रहा था अभी, चुप कर गया है। एंड फ्रेंड, अच्छा ऑल फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि औरतें क्या काम करती हैं, वो कह रहे हैं कि औरतें वो घर के अंदर ही रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे वो जो ना घर का काम काज करती हैं, इसके अलावा बच्चों को संभालती हैं और बाहर ये काम नहीं करती। बाकी मर्द हज़रात है वो घरों के बाहर जाते हैं, जानवर चराते हैं, और जो ना यहाँ पे जो क्रोकोडाइल का शिकार वो करते हैं, वो जो दरिया हमने क्रॉस किया ओमो रिवर, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग जो है ना बाकी खाने के लिए शहद वगैरह वो हंट करके वो लेके आते हैं, बस ये काम है यहाँ पे बाकी। और शाम को सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अभी यहाँ पे जो मर्द है ना वो नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे औरतें हैं, मर्द जितने भी हैं ना वो सारे बाहर खेतों के अंदर गए हुए हैं काम करने, कुछ जानवर चराने गया, कोई कुछ करने गया हुआ है, ठीक है। बड़ा मुश्किल है यार इन घरों में से निकलना ना, क्योंकि इनके दरवाजे बहुत छोटे हैं और ये ऐसे झुक के जाते हैं और झुक के जाते हैं। लेकिन जो फ्रंट की जगह है ना यहाँ पे इनका जो बड़ा होता है घर का, जो सरबरा होता है, जो वालद होता है, वो फ्रंट में बैठता है इस साइड पे, ठीक है, उसकी जगह पे और कोई बंदा नहीं बैठता। और जो इनकी मादर है उसी जगह पे सिर्फ माँ ने बैठना होता है, वहाँ पे कोई नहीं बैठता, ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो साइड में बैठते हैं। ये यहाँ पे इनके अपने कवानीन इस विलेज के, ये देखें यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए इन लोगों ने ये सेल करने के लिए लगाया हुआ है।
ये देखें, ये क्रोकोडाइल के दांत है। ये यहाँ पे इस विलेज की छोटी सी मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। फॉर स्लीपिंग, स्लीपिंग एंड सीट, ये बैठने के लिए होता है और स्लीपिंग करने के लिए होता है। ये भाई इस तरह का विलेज आई है, ये चेक कीजिए जरा। तो यहाँ पे देखिए भाई जितने भी इस विलेज वाले वो सारे के सारे यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए और हमने अभी अपनी गाड़ी मंगवा ली, क्योंकि पहले भाई जब कश्ती ऊपर आया था ना बोर्ड डाल गया, देखो कश्ती जो थी वो हचकोलियाँ ले रही थी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे फाइनल कर ली, इसको देख लिया है। देखने वाली जगह ये थोपिया में है, थोपिया से आप आ जाएंगे जिंका में और जिंका से यहाँ पे आप आ सकते हैं, ठीक है, अरबा मिंचा से जिंका और जिंका से आप इस ट्राइब के अंदर आ सकते हैं। इसका नाम दी सानेज ट्राइब है, ठीक है, अच्छे लोग हैं, पीसफुल हैं, लड़ाई छड़ाई नहीं करते। बाकी काल जो बाकी ट्राइब के मंदिर गए थे जिसके अंदर गारो ट्राइब है, ठीक है, या नागा टोम ट्राइब आई है ना, वो इतना सख्त ना गुस्सा आ जाए तो आपको वहीं पर वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पीसफुल लोग हैं सारे, देखिए हमारी गाड़ी के गिर्द आके जमा हो चुके हैं, अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक नाइट ट्रैवल ब्लॉग के अंदर, एक नाइट जर्नी के अंदर। तब तक दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।